Kali as Thakur and Kapil as Naukar. Daler Paji, मैं वही ठाकुर हूँ जिसके हाथ अर्चना ने गब्बर से सिर्फ इसलिए कटवाए थे ताकि जिम जाते जाते मेरे डोले इनके डोले से बड़े ना हो जाए। जब से गब्बर ने हाथ काटे है काफी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं बाकी सब तो ठीक है लेकिन सुबह सुबह अखबार नहीं उठा पाता मैं। वैसे तो मेरा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट दोस्त राम लाल मेरे सारे काम करता था लेकिन कल एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके भी हाथ कट गए। खैर कोई बात नहीं, मैंने कुछ नए नौकर बुलाया है। हाँ। आते ही हूँ। हेलो, किसी ने एटिकेट नहीं सिखाया, कोई हेलो करता हेलो करना चाहिए। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। सारा गांव वाले जानते हैं कि ठाकुर का हाथ गब्बर ले गए। ओह माय गॉड, कोई किसी का साइकिल मांग के ले गया तो कोई स्कूटर तेरे हाथ ही मांग के ले गया कोई। एक बात बता, ऐसा क्या किया तूने अपने हाथ से तेरे हाथ काट दिए उसने? मैंने गब्बर का गला पकड़ा। ओह माय गॉड। मैं कहा, गब्बर क्या ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है? ओह माय गॉड, क्या जरूरत थी इसके गले में हाथ डाल के बोलने की हाथ नहीं फांसी का फंदा है? काट के ले गया ना तेरे दोनों फंदे। अभी खेल रहा होगा उसके साथ डांडिया बैठा बैठा। तूने रोका कि नहीं इसको? रोकने के बाद ही इतना काटा, वरना पता नहीं वो तो क्या क्या काटने वाला था। ए, सुन सुन, शुक्र है भगवान का तेरी पैर नहीं काटे उसने, वरना हाथ और पांव के बिना ठाकुर कम तू बीन बैग ज्यादा लगता था। तेरे को तो हाथ नहीं होते तो उसका भी बड़ा फायदा होता है। एक तो सबसे बड़ी बात, तेरा हाथ कभी दरवाजे में नहीं आ सकता है। और कभी किसी तरह झगड़ा होगा ना, तेरे को यूं यूं करने की जरूरत नहीं है, सीधा मारना सर उसके पेट में। बड़ी हाल, ये बकवास बंद करो, ये बताओ कौन हो तुम? अरे बाबा इश्तिहार दिए थे ना नौकर चाहिए, तो सेम लाइक दैट माइसेल्फ। ओके, ये ईयर मेरी क्यों डाल के रखी है? पिछले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट थी। लड़की वालों को कोई जगह नहीं मिली तो कान में पहना कर चले गए। वेरी इंटरेस्टिंग लेडी इन द अर्थ, यू नो, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पहन के बैठा है। हेलो। इधर बैठना, तो एक तो खड़ा बड़ा रहता है, तो बैठ इधर, चाय बनाऊं तेरे लिए। ओह माय गॉड, तेरा तो गैस खत्म है। ऐसे कैसे हो सकता है, कल ही तो गैस आया था। बेड़ा गर्क, ये किसने रखा है गैस के पास? गैस तो खत्म हो गया, इनो रखा हुआ है। ले तेरे लिए भी चाय रखी है, ये चाय में डाला थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा चिकन के छोटे छोटे टुकड़े। देख बच्चों के सामने मत चाय पीना, चाय थोड़ी नॉन वेज है, ओके? और ये बन गई तेरी चाय, जल्दी जल्दी पी ले, गर्म है, ओके? पकड़ना बाबा। अरे आई जस्ट फॉरगॉट, ओके? ये ले तेरी चाय रेडी। चाय कैसे पीऊं, ये बहुत गर्म है। तो ठंडी करो ना इसको बाबा, ठंडी कैसे करेगी तेरे पास तो है भी कुछ नहीं। वन सेकेंड, ये हवा, इसको हवा आएगी तो हिलेगी ये। चल इसको ठंडी करो, पी चाय, अभी चाय पी। ब्लडियाल, मुझे खाली चाय नहीं, इसके साथ कुछ नाश्ता भी चाहिए। नाश्ता मेंढक का पकौड़ा खाएगा? मेंढक का पकौड़ा? अरे बाबा समझा नहीं, जैसे अकेला नौकर हूँ तो सर्विस में प्रॉब्लम नहीं होता। अभी क्या है, मेंढक का पकौड़ा बना के रखूंगी, सर्विस करने नहीं जाना पड़ता, खुद ही फुदो की तेरे पेट में घुस जाएगा। देख मेरी बात सुन, ए चुमड़ू, देख मेरा खाना बड़ा टेस्टी होता है, तेरे को पता है, दुनिया से बिल्कुल अलग खाना बनाता हूँ मैं। तेरे को पता है एक बात का, लोगों के हाथ की चपाती खाई तूने ना, लोग गोल गोल चपाती बनाते हैं, मेरी चपाती बिल्कुल अलग होती है, यू नो। मैं क्या करता हूँ, ऐसे पेड़ा रख के यहाँ पे बॉडी पे पूरा डाबर लाल तेल लगा के यूं पेड़ पे लेट जाता हूँ। यूं लंबे लंबे नान बनते, पता जितना खाना खाओ बाकी लपेट के निकल जाओ, ठंडी भी नहीं लगती है चुपड़ू। देखो तुम्हें जो खाना बनाना है बना लो। हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? ज्यादा मसालेदार ना हो। तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तेरे को कौन सा धोनी है? अरे बाबा प्लेट की बात कर रही हूँ, गड़बड़ा करता है तू, ठाकुर के जर्मन शेफर्ड है, ऐसे मत किया कर, तू डरा देता है नाजुक फुक को। हाँ वेरी गुड, आदमी काफी समझदार मालूम होते। अरे बाबा मैं समझदार की क्या बात बोलूं, मेरे को तो कोई प्यार से देख भर ले, मैं तो माँ बनने को तैयार हो जाता हूँ। मुझे बताओ पैसे कितने लोगे तुम? पैसे, ओके, अच्छा दोनों में से आंख मार के उंगली सिलेक्ट कर, ये वाली 20,000 रुपए लूंगा। मैंने उस उंगली पर इशारा किया था। यू चीटर, अगर मैं हाथ घुमा लूं तो ये 40,000 वाली उंगली है। इतने पैसे? हाँ तो बाबा महंगाई बड़ी होगी, क्या करे, 40,000 में क्या होता है आजकल? लड़ी हल महंगाई। अर्चना, हमारे जमाने में
₹10 में मैं घर का सारा सामान ले आता था। आजकल नहीं आता है ₹10 में, आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, बड़ा आया तुम्हें। और सुन, ए हेलो, ये खाना दुकान कहाँ पे है? खाना कहाँ से लाते हो? यही पास में एक सुपरमार्केट है, वहां से। सुपरमार्केट? अरे बाप रे, सुपरमैन ने दुकान खोल ली? कहाँ है सुपरमार्केट? पास ही में है। किधर है? 3 बिल्डिंग छोड़ते ही हाँ तुम्हें एक नाला मिलेगा। नाला पार करते ही बड़ा नाला मिलेगा, वहां तुम यू टर्न ले लेना, वहीं पास में सुपरमार्केट। देखो इतनी दूर जाऊंगा तो फिर उसका अलग से भाड़ा लूंगा मैं, इतनी दूर तो नहीं जाया जाता मेरे से। तुम्हें पैसे जितने चाहिए ले लो, लेकिन तुम्हें छुट्टी एक भी दिन नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? मैं हफ्ते में 2 छुट्टियां लेता हूँ, 3-3 दिन की। और संडे वाले दिन अलग से करूंगा मैं। ये तो पूरे हफ्ते की छुट्टी हो गई। हाँ तो काम कब करोगे? अरे काम अगले हफ्ते करूंगा ना बाबा, तेरे कैलेंडर में क्या एक ही हफ्ता आता है? बड़ा है तू। और सुन मेरी एक बात, मेरी भी एक शर्त है। क्या? नाश्ते में जो मर्जी बनवा ले, 2 चीजें नहीं बनाऊंगा मैं। क्या? एक लंच और एक डिनर। और सुन, डिनर में भी रोज रोज डिनर नहीं करना है, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी करना है। क्यों? अरे बाबा मोनोटोनस हो जाता है, समझता क्यों नहीं है तू? और बैठ जा अभी, इधर बैठ बैठ। अरे बैठ पे तो खड़ा बड़ा रहता है। तो मेरे को सुबह का रूटीन बता, तेरा क्या है, कितने बजे उठता है तू? रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे? बाबा तेरे को कौन सा पीटी उषा के साथ दौड़ लगाने जाना, तो क्यों उठता है 6 बजे? 6 बजे नहीं उठना, सुन 9 बजे उठना है, मेरे को हेलो करके सो जाना है, वो इसलिए ताकि मेरे को पता रहे बुड्ढा जिंदा है, ओके? और लिसन, 9 बजे उठना है, हेलो हाई करके सो जाना है, फिर 1 घंटा सोना है, फिर 1 घंटा सोना है, उसके बाद फिर 1 घंटा सोना है, ओके? इतने घंटे में कैसे सोऊंगा? अरे वो 2-3 घंटे सोएगा फिर सच में नींद आ जाएगी तेरे को, बैठ जा। और सुन, जब सोएगा अच्छी तरह से तो शाम को 6 बजे उठना, तेरे को गर्म गर्म लंच मिलेगा, ओके? 6 बजे गर्म गर्म लंच? अरे बाबा 2 बजे तो मैं लंच करता हूँ, और लंच के बाद मेरे को 4 घंटे सोना है, तो समझता क्यों नहीं है तू? बैठ जा इधर। क्या है? सामने आओ। क्या है बाबा? यू ब्लडी स्वाइन, निकल जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, एक दिन काम किए तेरे तो हाथ उगाए, सोच तेरे एक हफ्ता काम करता हूँ तेरे तो मशरूम निकल आएंगे इधर। जाओ फिर मैं फाइनली। अर्चित क्या देख रही है? देख ले एक हफ्ता काम नहीं किया तो इसकी क्या क्या निकल आया। ज्यादा देर खड़ा रहूंगा तुम्हारे इधर भी वाटर मेलन निकल आएगा इधर, बाद में पाइप डाल के पीती रहना उसको, नंबर दो नहीं तो पता नहीं क्या क्या निकाल दूंगा इधर मैं। ललित पाजी